सरकार वाकई किसाना किसान हितैषी होंगी तो कोई कमेटी बना के पहले सारे सानू ब्रीफ कर देंगे यार किसी को ये बारे पता नहीं है तो उवें उस हिसाब न सारा मतलब प्रॉब्लम उतों से प्रॉब्लम यार डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही जिमें मैं कह रहा वंड जी है पानी की मैं नहीं चाहता भी मैं मेरी जिन्हें भी किसान है पंजाब के सारे किसान अपने भरा है साढ़े भरा पर जदों तुसी एकदम बिल इंट्रोड्यूस करते हो तो मैं वंड शब्द जिहड़ा मैं वेखदा तो मेरे तो ऑटोमैटिकली एकदम रोंगटे खड़े हो जाते भी मतलब सारी साड़ी रोजी रोटी साडा फाजिलका जिला टेला वाला एरिया सारा मतलब ये उत्ते कनाल वाटर के उत्ते निर्भर है इतना टेक्निकल बिल है तो मैं 10 बार तो मैं आप कल तो पढ़ लिया इनू एंड मेरा मतलब सरकार नू मतलब जे सरकार वाकई किसाना किसान हितैषी होंगी तो कोई कमेटी बना के पहले सारे सानू ब्रीफ कर देंगे किसान संस्थावां नाल लैके उन्होंने ब्रीफ कर देंगे भी आ असीं लैके आ रहे इहदे विच की चेंजेस है जे चेंजेस है नहीं है तो ताकि सारे की तसली हो जाती हूँ तुम अज मतलब उन्होंने एक्ट लैके आ रहे हो किसी को ये बारे पता नहीं है तो उवें उस हिसाब न सारा मतलब प्रॉब्लम उतों से प्रॉब्लम मोटी जी जी गल आ रही है कि 150 मीटर दूरी तक कोई भी ट्यूबवैल लगाने की परमिशन नहीं होगी नहर के किनारे किमें देख रहे हो सर मेरे वास्ते असी अगेन जो टेलों वाले हैं मैनू ये जो लिखे डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ सप्लाई मैनू तो वो तो शंका है भी यार डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही जिमें मैं कह रहा वंड जी है पानी की मैं नहीं चाहता भी मैं मेरी जिन्हें भी किसान है पंजाब के सारे किसान अपने भरा है साढ़े भरा है असी आई चाहते भी सारे उन्होंने जिन्ना हक बनता मिले पर जदों तुम एकदम बिल इंट्रोड्यूस करते हो तो मैं वंड शब्द जोड़ा मैं वेखदा तो मेरे तो ऑटोमैटिकली एकदम रोंगटे खड़े हो जाते भी मतलब सारी साड़ी रोजी रोटी साडा फाजिलका जिला टेला वाला एरिया सारा मतलब ये उत्ते कनाल वाटर के उत्ते निर्भर है तो जे बेहतर होंगे सानू समझा देंगे बिठा के पहले ब्रीफ कर दे कोई कमेटी बना लेंगे किसानों ब्रीफ कर देंगे असी जाके किसानों ब्रीफ कर देंगे भी आ बिल लैके आ रहे हैं तो यदा आ मतलब है ताकि किसी के मन च किंतु परंतु नहीं आती मतलब गलत तरीका जिस तरीके नाले कर पर नाले कहते जी कि सारे बिल अपलोड किए जाते हैं नहीं बिल तो देखो जी अपलोड कर ले जो डॉक्यूमेंट है अगेन इन्ना टेक्निकल डॉक्यूमेंट है मैं 10 बार पढ़ के मेरी नहीं बिल्कुल समझ लग रही तो आम किसान दे तो की समझ लगेगी जी कमेटी बना दें सॉरी कमेटी बना के सानू ब्रीफ कर दें एग्रीकल्चर कमेटी कल मैं आ गल की जी अपना खेतीबाड़ी नीति है अगेन वो टेबल हो गई है सरकार नू दित्ती गई है तो उम्मीद रखदा भी वो खेतीबाड़ी नीति दे विच सारा कुछ होना चाहिए सानू फिर ब्रीफ करो वह मैं तो स्पैशल कल संधवा साहब नू रिक्वेस्ट की भी सैशन बुलाया जाए 2 दिन का सिर्फ खेतीबाड़ी नीति दे उत्ते क्योंकि पंजाब का जिन्ना भी जेड़े भी मसले है किसानों के मजदूर के ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਈਐਸਐਫ ਲੌਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੌਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਣੀ ਮਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਵਰਡ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 100-100, 200 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਨਿਚੋੜ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 22 ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ 20 ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ
बट अगेन जिहदी टैक्नीकल ट्रेनिंग नहीं है या जिन्हों मतलब थोड़ा ब्रीफ सरकार का काम की है, विधानसभा का काम की है, कमेटीज का काम की है, भी जिहड़े बिल तुसीं लैके आ रहे हो सैशन दे विच 10 दिन पहले एक दिन बुला के सारे उन्हें ब्रीफ कर दो, एक्सपर्ट्स बुला लो भी ये बिल्स है जिन्हों कोई सवाल जवाब है पूछ लो, उत्थे जिहड़ी डाउट्स है शंकावां है पूरी हो जूगी। डॉक्टर साहब एक बड़ी अहम चीज़ आ, कल प्रधानमंत्री के खिलाफ जां देश की भाजपा सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री खास करके बोलते नजर, हाँ जी तुसीं मानते हो कि सच्ची केंद्र दा? नहीं जी, देखो जिहड़ी गल्लां उन्होंने की बड़ी इमेच्योर गल्लां सी जदों उन्होंने राष्ट्रगान की गल की, आई थिंक बड़ी इमेच्योर गल्लां सी ते उहदे ते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा।